Assalamu alaikum. Dear students, I welcome you to the live webinar on behalf of CFE. First of all, I start with a very brief introduction of myself. जो स्टूडेंट्स पहले मेरे डिफरेंट वेबिनार्स देख चुके हैं, वीडियोस देख चुके हैं, वो तो जानते होंगे, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए, मेरा नाम अदनान रशीद है. मैं सीएफई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में, जो हमारा सीए एजुकेशन का कैंपस है, प्रोफेशनल एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का कैंपस है, उसमें प्रिंसिपल हूँ बाय प्रोफेशन. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और इट्स बीन ऑलमोस्ट टू डेकेड्स व्हेन आई क्वालिफाइड एज सीए. आज के हमारे वेबिनार का जो ऑब्जेक्टिव है वो जो इसका मेन टारगेट ऑडियंस हमारी, जो बच्चे हमारे कैफ का कोर्स अटेंड कर रहे हैं, सीए इंटर जिसको ब्रांच की में कहा जाता था, कैफ में एक सब्जेक्ट कैफ 8 जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, आई टीच दैट सब्जेक्ट एज वेल. सो उस सब्जेक्ट के रेफरेंस से आज कुछ डिस्कशन थी, कुछ मेरे पास क्वेरीज मेरे टीम के थ्रू पहुंच रही थी कि स्टूडेंट्स को कुछ गाइडेंस चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सब्जेक्ट एंड व्हाट आर द की एरियाज जहां पे इनको फोकस करना चाहिए एंड व्हाट आर द की थिंग्स व्हिच दे शुड अवॉइड. तो दिस इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द दिस सेशन हियर. विल बी ऑल्सो वेलकमिंग क्वेश्चन, अगर आपके जहन में क्वेश्चन हो देर एंड देन यू कैन राइट इन द कमेंट्स. आई विल ट्राई कि हम उसको, जो हमारा एलोकेटेड टाइम है, उसको हम आंसर भी कर सकें. कैफेट का ब्रीफ अगर इंट्रोडक्शन लें हम, तो ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी कैफ स्ट्रीम में इस सब्जेक्ट के नेचर का एक ही ये पेपर है. जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसमें हमारे पास 3 पेपर्स होते हैं हमारी कैफ स्ट्रीम में, लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग देयर इज ओनली 1 सिंगल पेपर इन आवर कैफ स्ट्रीम, और इसी का एक एडवांस पेपर हमारे पास सीफा पे भी अवेलेबल है, जिसको हम बीएफटी कहते हैं, सीफा 4. इस सब्जेक्ट के अगर सिलेबस को हम स्टडी करें तो टेक्स्ट बुक जो आईकैप ने इसकी पब्लिश की है, ये इसमें अराउंड 17 चैप्टर्स हैं और एक चैप्टर एडेंडम आईकैप ने इशू किया हुआ, इन टोटल इट मेक्स इट 18 चैप्टर. और ये 8 चैप्टर्स को आईकैप ने जो हमें सिलेबस की स्कीम दी है उसमें 4 ग्रिड्स में डिवाइड किया हुआ है. किसी भी स्टूडेंट के लिए जब वो सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहा है तो ये नॉलेज बड़ा ज़रूरी है कि ये सब्जेक्ट जो हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं ये एग्जाम में टेस्ट कैसे होने वाला है. तो उसके लिए आईकैप की जो सिलेबस ग्रिड है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. देर आर 4 ग्रिड आइटम्स जिसमें इन 17+1 = 18 चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है, और हर एक के साथ आईकैप ने मार्क्स भी बताए हैं कि लगभग मार्क्स कितने हर ग्रिड आइटम में से, हर ग्रुप में से टेस्ट किए जाएंगे. और यू शुड बी ग्लैड टू नो कि आईकैप हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट इन फॉलोइंग द मार्क्स गाइडलाइन अमंगस्ट द ग्रुप. जो उसने 4 ग्रुप्स दिए उनमें जो गाइडलाइन दी, अगर हम पास्ट पेपर एनालिसिस आईकैप पे देखते हैं तो आईकैप उनको बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा है. माइनर 5-10% की डेविएशन पूरी दुनिया में इस तरह के जो भी स्कीम दी जाती है उसमें एक्सपेक्टेड होती है. तो सेम कैन बी सीन हियर. तो मेरे हिसाब से ये आईकैप की बड़ी अच्छी पॉलिसी है जिसके तहत ये इसको फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे. तो इसमें जो चीज़ आपको समझने की है वो ये है कि जब ग्रुप में मार्क्स डिवाइड कर दिए गए, सारे सिलेबस को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, और इसका मतलब हमारे पास, हमें चारों ग्रुप्स को प्रिपेयर करना है, क्योंकि हमें इस ग्रुप में जितने चैप्टर आ रहे हैं आईकैप एग्जामिनर के पास लिबर्टी है, वो किसी भी चैप्टर से मार्क्स दे सकता है उस ग्रिड में जितने एलोकेटेड मार्क्स हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्रिड है कॉस्टिंग सिस्टम का, उसमें 25-35 मार्क्स आईकैप का एग्जामिनर दे सकता है. अब इसमें फर्दर उसने 6 टॉपिक्स बताए हुए हैं कि इस ग्रिड में 6 टॉपिक्स आते हैं. अब वो आईकैप उन 6 में से किसी एक में टॉपिक में से दे दे, किसी 2 में से दे दे, 3 में से दे दे, और कोई से भी चूज करके वो टॉपिक्स में से हमें ये 25-35 मार्क्स दिए जा सकते हैं. सो इसमें जो आपको ख्याल रखना पड़ेगा वो ये है कि जो अहम चीज़ यहाँ से सीखने की है कि यू मस्ट कवर द होल ऑफ द सिलेबस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए. पूरा सिलेबस कवर किए बगैर आप इंश्योर नहीं कर सकते कि आपको ये तमाम आईकैप जो पेपर आएगा ये आप अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे. हो सकता है कोई एक चैप्टर छोड़े आपको उसमें से 10 नंबर का सवाल आ जाए, तो दिस इज वेरी अलार्मिंग. इसके बगैर आप पेपर नहीं कर सकेंगे. दूसरी अहम चीज़ हम अगर देखें तो इस पेपर को हमें प्रिपेयर करना है
लर्न करने हैं, उसके बाद एग्जाम में जाके अटेम्प्ट करने हैं और पास करना है। तो मेरे हिसाब से मैं इस टोटल जो सक्सेस का फेज होता है इसको दो मेजर हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। वन इज द प्रिपरेशन पार्ट, द अदर इज द परफॉर्मेंस पार्ट। प्रेपरेशन में क्या क्या करना चाहिए, आई विल गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दैट, और फिर परफॉर्मेंस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी बात करेंगे, और जनरली स्टूडेंट्स को परफॉर्मेंस में क्या प्रॉब्लम आती है वो भी साथ साथ बात करते चलेंगे। प्रिपरेशन में सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को सीखनी है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए द बेसिक डॉक्यूमेंट शुड बी टेकन, शुड बी कंसिडर्ड द टेक्स्ट बुक। और आप लोग लगी हैं कि आपको आईकैप ने बड़ी अच्छी टेक्स्ट बुक इस सब्जेक्ट के रेफरेंस से पब्लिश की हुई है, तो यू मस्ट हैव इट एंड यू मस्ट फॉलो इट। आपको उसको फॉलो करना चाहिए, मतलब हमारे ज़माने में तो टेक्स्ट बुक की काफ़ी किल्लत होती, तो हमें डिफरेंट ऑथर्स की एक सब्जेक्ट के लिए दो दो तीन तीन चार चार टेक्स्ट बुक्स पकड़नी पड़ती थी ताकि हम सिलेबस को फुली हम कवर कर सकें। लेकिन यहाँ पे आप लोगों आप लोग लगी हैं कि आपके पास एक आईकैप की डेजिग्नेटेड टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो यू मस्ट फॉलो द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के साथ डेफिनेटली आप किसी भी अगर ट्यूटर को ज्वाइन करते हैं तो अपने नोट्स देते हैं, तो नोट्स शुड ओनली बी कंसिडर्ड एज एन एडिशनल हेल्प। नोट्स कैन नेवर बी कंसिडर्ड, दे शुड नेवर बी कंसिडर्ड एज द रिप्लेसमेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। ये मेरी बड़ी एक सिंसियरेस्ट एडवाइस है टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस सब्जेक्ट कॉस अमेंडमेंट एग्जाम। सो पहले टेक्स्ट बुक का भी साथ मैंने कहा नोट्स भी आपके चलेंगे जो कि आपको कॉन्सेप्ट सीखने में समझने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम इन कॉन्सेप्ट्स को आईकैप ने कैसे पास्ट पेपर्स में टेस्ट किया उसके हम पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे मैं छोटा सा इशू हाईलाइट करता जाऊँ कि स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट सीखने के लिए भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करना, पास्ट पेपर क्वेश्चन को देखना शुरू कर देते हैं, विच इज़ मेरे हिसाब से वेरी रॉन्ग अप्रोच। क्योंकि जब आप पास्ट पेपर्स को क्वेश्चंस के देख के वहाँ से कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश कर रहे हो तो यू आर नॉट डेवलपिंग अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट। आप बिट्स एंड पीसेज में, टुकड़ों टुकड़ों में चीज़ें जो पास्ट में टच की गई हैं उनको टच कर रहे हो। जैसे आप लोग अगर जिसका काफ़ी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सब्जेक्ट पास कर चुके हैं तो आपको पता है कि एक किसी भी टॉपिक के मल्टीपल आस्पेक्ट्स होते हैं। एक टॉपिक से क्वेश्चन 15 तरह का पूछा जा सकता है, बट पास्ट में शायद 6 तरह के अंदर पूछा गया है। तो आप अगर 6 तरह के क्वेश्चन सिर्फ देख लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका टॉपिक पूरा तैयार हो गया। उस टॉपिक में से तो 15 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको तो 15 एंगल से क्वेश्चन आए उसके लिए तैयार होना चाहिए, और वो तैयारी आपको 6 सवाल देख के नहीं मिलती। वो तैयारी आपको मिलती है टेक्स्ट बुक को थॉरली पढ़ने से और उसको बेसिक एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक में दी जाती है कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए उनको करने से आपको वो चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट की पहले लर्निंग करनी है, फिर आपको उनकी रिवीजन करनी है। रिवीजन भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आपको रिवीजन से मुराद है आपने जहाँ से चीज़ सीखा, जो असूल सीखे हैं उसको वहीं से पढ़ना, उसको मैं रिवीजन कहता हूँ। जिस सिलेबस हमारा काफ़ी लेंथी है, जैसे मैंने कहा 17-18 चैप्टर्स हैं, तो जर्नी स्टूडेंट्स को काफ़ी लेंथी सिलेबस मानते हैं क्लासरूम में। जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ तो मुझे तकरीबन क्लासरूम में 120-125 घंटे लगते हैं इस सब्जेक्ट को कवर कराने में, एक रीजनेबल प्रैक्टिस के साथ स्टूडेंट को समझाने में सब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंगली जो हमारे बाकी सब्जेक्ट्स उनके मुकाबले में ये रिलेटिवली, या आप कह सकते हैं जो लॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स हैं उनके दौड़ में ये खड़ा हुआ है, जो सबसे लेंथी सिलेबस वाला सब्जेक्ट है उनके साथ ये CMA भी हमारा खड़ा हुआ है। तो इसमें हमें फिर जैसे मैंने कहा कि हमें रिविजन, जब सब्जेक्ट सिलेबस लेंथी होता है, जब कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं, चैप्टर ज़्यादा होते हैं, तो वराइटी ऑफ कॉन्सेप्ट की वजह से हमें बार बार इनको पढ़ने की ज़रूरत होती है। अगर हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, इनको रिवाइज नहीं करेंगे, तो हम कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और जब एग्जाम में हमें आंसर क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से हमारी जनरल जो प्रॉब्लम बच्चों की आती है, जिसकी वजह से हम समझते हैं बच्चा बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाता, उसकी वजह शायद ये बनती है कि स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को ही हार्डली कंप्लीट कर पाते हैं बाय द टाइम दे अप्रोच एग्जाम। जब आप सिर्फ लर्निंग ही कंप्लीट कर पाते हैं तो पहले फेज की लर्निंग के बाद आप जैसे जैसे आगे चलते हैं पिछले टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ आस्पेक्ट्स आपके ब्रेन से वॉश आउट होने शुरू हो जाते हैं। इट इज़ ओनली 2-3 फर्दर रिवीजन विच विल इंश्योर कि आपके पास सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में आपके पास मौजूद रहें। तो अगर आप रिवीजन्स को प्लान नहीं करोगे, आप सिर्फ सिलेबस की एक दफ़ा की लर्निंग को प्लान करोगे, तो एग्जाम में परफॉर्मेंस आपकी अपने दिमाग नहीं हो पाएगी। एग्जाम में जो आंसरिंग सवाल आएंगे वो आपको परेशान करेंगे। सो हमें लर्निंग भी करनी है, कॉन्सेप्ट सीखने भी हैं, और फिर रिवीजन को भी अपने प्लान में लेके आना है।
ये तो जी मैं आपको जो लर्निंग साइड थी उसकी मैं बात कर रहा था कि आपको पेपर से पहले आपको सब्जेक्ट तैयार कैसे करना है जिसमें लर्निंग रिवीजन एंड देन डेफिनेटली अ बिट ऑफ पास्ट पेपर प्रैक्टिस दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट सो दैट वी नो कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस हमें टेस्ट किए जा रहे हैं और हम उसके हिसाब से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकें। अच्छा, इसके बाद व्हेन वी अप्रोच टूवर्ड्स एग्जाम वहाँ पे हमारे कुछ मजीद आस्पेक्ट होते हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है। अच्छा, ये फर्दर एस्पेक्ट्स जो आते हैं एग्जाम टेक्निक्स, ये भी एक अहम एरिया है कि आपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर लिया लेकिन जब एग्जाम्स में जाते हैं तो वहाँ पे वो 3 घंटे जो 15 मिनट है उनको कैसे मैनेज किया जाए। इट इज़ जनरली सीन स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं पढ़ने में, रिविजन्स में भी अक्सर बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन एग्जाम में जाके हम कैसे डील करेंगे आंसर क्वेश्चन को उसके बारे में कुछ सोचनी बच्चों ने डेवलप की होती। मैं इसको इस तरह कहता हूँ कि प्रेपरेशन जो आप कर रहे हो इट इज़ लाइक गैदरिंग एमुनिशन और 3 घंटे 15 मिनट जो एग्जाम में आपने गुजारने होते हैं इट इज़ लाइक फाइटिंग बैटल। तो अगर आपने असला इकट्ठा कर लिया लेकिन वॉर स्ट्रेटजी आपने अगर नहीं बनाई तो यू कांट एक्सपेक्ट टू विन द बैटल। सो एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी इज वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो कि आपको जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। सिर्फ तैयारी पे ही फोकस करना नहीं चलेगा, तैयारी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लेकिन इफ यू डोंट नो हाउ टू परफॉर्म इन 2-3 आवर्स 15 मिनट्स यू कांट सक्सीड। आप अपनी जो लर्निंग है उसको अगर ट्रांसलेट नहीं कर पाते हो 3 घंटे 15 मिनट में तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते। okay? तो ये आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होती हैं कि आपको साथ साथ लेके चलना है। एग्जाम टेक्निक्स में अगर हम बात करें तो डिफरेंट आस्पेक्ट्स उसमें आते हैं जिनको हमें जिनका ख्याल रखना है उन 3 घंटे 15 मिनट के दौरान। सबसे पहली चीज जो एग्जामिनेशन में आती है दैट इज विच क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड फर्स्ट। माय गाइडलाइन, डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट टीचर्स मे सजेस्ट यू डिफरेंट अप्रोचेज लेकिन मेरी जो अप्रोच है कि स्टूडेंट्स को सबसे पहले जो आसान क्वेश्चन लगे उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। आसान क्वेश्चन से मुश्किल क्वेश्चन की तरफ जाना दिस इज द बेस्ट रिकमेंडेड अप्रोच इन द एग्जाम। वजह बड़ी ऑब्वियस है, जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते हो तब यू आर ऑलवेज नर्वस। आपका क्वेश्चन पेपर जितना मर्जी अच्छा तैयार हो, सब्जेक्ट तैयार हो, पेपर आपको जितना मर्जी आसान आपके हाथ में है लेकिन शुरू के जो 5-10-15 मिनट होते हैं उसमें आप नर्वस होते हो और उन नर्वस मोमेंट्स में अगर आप कोई टफ क्वेश्चन को आप पकड़ लें तो चांसेस आर देयर कि आपसे कोई ना कोई गलती हो सकती है और आप प्रेशर में आ सकते हैं। सो आई सजेस्ट कि आप सबसे पहले आसान क्वेश्चन आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद सबसे पहले आप जो ईजीएस्ट क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट कीजिए, देन ग्रेजुअली यू मूव टू द नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन, थर्ड लेवल क्वेश्चन एंड द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन शुड बी लेफ्ट फॉर द लास्ट। लास्ट अटेम्प्ट आपकी होनी चाहिए, वो सबसे टफ क्वेश्चन ही आनी चाहिए। अच्छा जी, इसमें एग्जामिनेशन में एक और जो प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ आती है उसमें स्टूडेंट्स जनरली क्वेश्चंस को ड्यू रीडिंग्स नहीं दे पाते। एग्जामिनेशन टेक्निक्स में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है बच्चों का, खासतौर पर विद रेफरेंस टू दिस सब्जेक्ट, कि दे डोंट अलाउ सफिशिएंट रीडिंग टाइम, दे ट्राई टू रश विद राइटिंग, कि जल्दी से लिखना शुरू करें। स्टूडेंट जनरली सोच रहा होता है कि शायद जो पढ़ना है वो टाइम का ज़िया है, जब तक हम लिखेंगे नहीं हमारी मार्क्स की स्कोरिंग ही शुरू होती। बट दे डोंट रियलाइज कि अगर आप CMA इस CAF8 जैसे सब्जेक्ट में अगर आप सिनेरियो को सवाल को समझ नहीं पाएंगे, इसकी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, डाटा जो क्वेश्चन में अवेलेबल है उसको बारे में सोच नहीं सकेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप जवाब सही एग्जीक्यूट कर सकें। सो रीडिंग मेरे हिसाब से इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन की रीडिंग और प्लानिंग एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिफोर राइटिंग। मेरी जनरल सजेशन होती है कि आपको कम से कम
तीन रीडिंग जहन में प्लान करके चलना चाहिए। अगर आपको पहली दफा कहीं पढ़ने के बाद लगे सवाल समझ आ गया, इवन देन डोंट स्टार्ट राइटिंग। पहली दफा पढ़ के आप मुझे जिसको इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए लगभग 18-20 साल हो गए हैं, अब मुझे कोई अनसीन क्वेश्चन देंगे तो पहली दफा पढ़ के मैं भी ये सब्जेक्ट नहीं, ये सब क्वेश्चन अनसीन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। और आप एज अ स्टूडेंट एग्जामिनेशन प्रेशर में आई थिंक ये सोचना भी बेवकूफ़ी है कि आप एक दफा पढ़ के सवाल समझ आ गया, वो आपकी फॉल्स परसेप्शन हो सकती है। सो लर्न इट राइट नाउ कि भाई पहली दफा में लगे भी कि समझ आ गया तो नहीं माननी ये बात, दोबारा और तीसरी बार जरूर पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप साल को समझ नहीं पाओगे आप आगे नहीं चल पाओगे। सो एक चीज, ड्यू एलोकेट ड्यू रीडिंग टाइम, इसके बगैर आपकी परफॉर्मेंस CMA के पेपर में आई कैन बेट कि आप परफॉर्म नहीं कर सकते। दूसरा इशू जो यहाँ पे आता है कि अगर आपने रीडिंग ना की हो, आप रीडिंग के बगैर शुरू करते हो, आप लोग अपने पास एक्सपीरियंस से इस चीज को वाउच कर सकते हो, रीडिंग प्लानिंग के बगैर सवाल शुरू करो, थोड़ा सा आगे चलते हो तो आपको एकदम एहसास होता है ओहो ये सवाल के जो चौथे पैरा में ये जो लाइन लिखी हुई है इसके हिसाब से तो मैंने ऊपर जो ट्रीटमेंट की वो गलत होगी, ओवरराइटिंग आती है नतीजे में, कटिंग करनी पड़ती है आपको। सो इस तरह की चीजें आपकी होंगी, क्यों? क्योंकि आपने सवाल को समझा नहीं, आपने उनको पढ़ा नहीं, सही तरह से प्लान नहीं किया, फटाफट रश किया लिखने का, और जो चीजें नीचे उसने बताई हुई थी इनकी इम्प्लीकेशन क्वेश्चन के शुरू में आ रही थी आप उन चीजों को इग्नोर कर गए। नाउ लेटर यू आर गेटिंग इट रजिस्टर्ड के ओहो ये भी ट्रीटमेंट होनी थी, ये भी होनी थी, आपको क्रॉस करना पड़ रहा है, ओवरराइटिंग करनी पड़ी है, विच एड्स टू टाइम प्रेशर, टाइम इशू, टाइम प्रेशर आपका आना शुरू हो जाता है, आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो इसलिए जल्दी हम एडवाइस करता हूँ कि आप पहले रीडिंग का पहले कर लें, पहले 2-3-4 का जितना पढ़ना है उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करें, लिखने का काम शुरू करें, ताकि जब आप लिखना शुरू करें तो फिर आपको कोई उसमें दिक्कत ना हो, सब कुछ आपके दिमाग में है कि कहाँ से सवाल शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है, क्या करना है, क्या कैलकुलेशन फॉर्म करनी है, कहाँ पे हम फंसेंगे, सब कुछ आपके जहन में हो। एक और चीज जो एग्जामिनेशन हॉल में देखी जाती है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जनरली प्रॉब्लम में आते हैं, स्टूडेंट समझते हैं कि हमें परफेक्ट सोल्यूशन देना है एग्जाम में, और अगर हमने परफेक्ट सोल्यूशन ना दिया तो हमें 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये परसेप्शन भी थोड़ी सी गलत है, इसको भी ठीक करने की जरूरत है, ये बड़ी कोई पक्की हमारे स्टूडेंट्स के जहन में बात बैठी होती है। तो यू शुड नो कि आपके CA के एग्जाम में जो न्यूमेरिकल एग्जाम होते हैं इनमें जो मार्किंग होती है दैट इज स्टेप वाइज मार्किंग का मतलब कि आपको हर स्टेप आपके जो मार्क्स हैं टोटल वो जितने सवाल में कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं उन स्टेप्स में डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स क्वेश्चन के में भी 10 मार्क क्वेश्चन है तो वो 10 मार्क्स आपका जवाब अगर 10 रुपया फॉर एग्जांपल आया है तो इस पे नहीं मिलेंगे आपको 10 के 10 मार्क्स, आपको जो डिफरेंट स्टेप है स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 3 में भी आपको किसी स्टेप पर 2 नंबर मिल रहे हैं, किसी पे 4 अंक आ रहे हैं, किसी पे 5 अंक आ रहे हो। सो इस तरह करके आप 20 मार्क्स अपने 10 मार्क्स पूरे कर पाते हैं। तो इसको आपको इस लिहाज से देखना है कि भाई स्टेप वाइज मार्किंग है। उसमें हमारे स्टूडेंट्स की जो वीकनेस जनरली देखी जाती है जो मैं समझता हूँ कि अगर हमें एक स्टेप आता है, पहला आता है हमने कर लिया, दूसरे पे हम पहुँचते हैं तो दूसरे में अगर हमें कोई दिक्कत है, हमें वो स्टेप्स परफॉर्म करना नहीं समझ आ रहा तो हम स्टक हो जाते हैं, वहीं पर टाइम ज़ाया करना शुरू कर देते हैं और 10-15 मिनट जाया करके हम सवाल को वहीं छोड़ के आगे चले जाते हैं। वी फॉरगेट कि भाई दूसरे स्टेप के बाद तीसरा चौथा स्टेप ये होना था, हम दूसरे स्टेप पे फंसे, वहीं पे टाइम जाया किया, सवाल छोड़ा वहां पे, 10 मिनट जाया करने के बाद आगे चले। सो ये एक बड़ी गलत अप्रोच है। मैं इसमें जनरली बच्चों को एडवाइस करता हूं कि आप पूरे स्टेप्स जहन में लाएं और खाका जहन में बना लें कि सवाल को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या स्टेप चाहिए। मैं एक बड़ी सिंपल सी मसाल लेता हूँ, आई होप सारे स्टूडेंट्स को फॉलो कर पाएंगे। सपोज हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आप एक प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, नई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, और हमसे रिक्वायरमेंट में कहा जाता है इस प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखनी चाहिए अगर कंपनी चाहती है कॉस्ट के ऊपर 20% मार्कअप कमाना। हमसे कहा जाए, आई रिपीट, कॉस्ट के ऊपर 20% मार्कअप कमाना हमारा ऑब्जेक्टिव है तो क्या प्राइस रखें, दिस इज द क्वेश्चन। तो पहली बात मैं आपको जो बताई अभी कि अगर सवाल के 10 नंबर हैं तो वह 10 नंबर प्राइस 25 रुपए निकालने में नहीं मिलेंगे। 10 के 10 नंबर आपको अगर 25 रुपए प्राइस होगी तो नहीं मिलेंगे, बेसिकली वो नंबर मिलेंगे आपने पहले मटीरियल कॉस्ट उस प्रोडक्ट की कैलकुलेट करनी है, क्या वो ठीक की है, आपने उस प्रोडक्ट के लिए लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, उसमें आपकी कैलकुलेशन कैसी थी,
आपने उस प्रोडक्ट में से ओवरहेड का एक एलिमेंट होता है हमारी कॉस्ट का, वो ऐड करना था, क्या वो आपने उसकी वैल्यू ठीक कैलकुलेट करनी है, फिर टोटल कॉस्ट लेने के बाद उस पर मार्कअप, मार्कअप का कॉन्सेप्ट आपको आता है कि आपने मार्कअप प्रॉफिट ठीक ऐड किया है, देन आप प्राइस पे पहुंचते हो। अब यहाँ पे हो सकता है मुझे मटेरियल, सबसे पहले मुझे मटेरियल की कॉस्ट निकालनी, मुझे वही नहीं कैलकुलेट करनी आती। अब हमारे स्टूडेंट की जो मैं अप्रोच रेफर कर रहा था कि हम मटेरियल पे जाएंगे और सोचना शुरू कर देंगे मटेरियल कॉस्ट, ये तो आती नहीं है, इसका मतलब मैं तो प्राइस निकाल ही नहीं सकता, तो मैं तो 10 में 0 नंबर लेके आगे चला जाता हूँ। दिस इज द काइंड ऑफ अप्रोच विच आई वॉन्ट यू टू रेक्टिफाई। आपको पता होना चाहिए प्राइस के लिए भी चार स्टेप्स हैं, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स एंड देन प्रॉफिट, फिर प्राइस आएगी। तो आपको इन चार में से जो आते हैं कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको मटीरियल नहीं आता, आप अज्यूम कर लो 100 रुपए मटीरियल लगेगा, लिख दो अज्यूम। एग्जामिनर वुड नो कि भाई मटीरियल आपको नहीं आता तो दो नंबर आपको वहां नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपको लेबर आता है कैलकुलेट कीजिए, ओवरहेड्स आते हैं कैलकुलेट कीजिए, मटीरियल की अज्यूम फिगर के साथ टोटल कॉस्ट लीजिए, और टोटल कॉस्ट जो भी आपने ली है डेफिनेटली दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि आपने मटीरियल कॉस्ट अज्यूम की भी है, लेकिन उसी इनकरेक्ट कॉस्ट पे जब आप मार्कअप का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो एग्जामिनर वुड नो कि यू नो हाउ व्हाट इज मार्कअप एंड हाउ टू कैलकुलेट इट, सो यू विल डेफिनेटली गेट मार्क्स ऑन एवरी स्टेप एक्सेप्ट द फर्स्ट स्टेप। मटेरियल यहां पे नहीं आपने लिया, सो वैल्यू आंसर की वैल्यू के नंबर नहीं होते, ट्रीटमेंट्स और कॉन्सेप्ट की जो आप कह लें जो आप शो करते हैं अपनी स्किल, मार्क्स आपको उस पे मिलते हैं। सो हमने जो ये चीज एग्जाम में बहुत जरूरी अप्लाई करनी है सीएमए जैसे पेपर में, कि आप एक पूरे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, उस क्वेश्चन को आप ब्रेक करेंगे अपनी प्लानिंग फेज में पढ़ने के दौरान, कि आप इसमें से कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं और कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स आप परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि एक सवाल प्राइस निकालने के लिए चार ट्रीटमेंट्स चाहिए, आप फैसला कर लो सवाल पढ़ने के दौरान कि चार में से कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स आपको आती हैं कौन सी नहीं आती, और देन यू स्टार्ट परफॉर्मिंग दोज, आप ट्रीटमेंट को परफॉर्म करते जाइए, और जो ट्रीटमेंट्स आपको परफॉर्म नहीं आती, जो ट्रीटमेंट्स आपको नहीं आती उनको आप स्किप कर दें विदाउट वेस्टिंग टाइम। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसी रेफरेंस के साथ क्वेश्चन के हम लेते जाएंगे कि हाउ मेनी पास्ट पेपर क्वेश्चन शुड बी प्रैक्टिस। एक बड़ा एक अच्छा सवाल है, अक्सर बच्चों की जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारी मेंटेलिटी होती है कि हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन बेतहाशा करने चाहिए और हम इवन किताब पढ़ना भी भूल जाए। क्वेश्चन ऊपर आ रहा है, कितनी विंडोज खुल गई है ये मेरी यहाँ पे देखें, एक ये विंडो खुली हुई है, देखें इसमें 13 कमेंट्स आ रहे हैं, हम यहाँ पे आए हुए, एक ये विंडो खुली हुई है। अच्छा जी, सॉरी थी फॉर द इनकन्वीनियंस, एक शायद कोई सिस्टम इंटरनेट डाउनलोड किया से वी गॉट डिसकनेक्टेड, सो आई कंटिन्यू। यहाँ पे मैं बात कर रहा था एक क्वेश्चन की, स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि हमें कितने पास पेपर क्वेश्चन करने सफिशिएंट होंगे इस पेपर के लिए अगर हम इस पेपर को पास करना चाहते हैं। तो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि देर इज नो लिमिट कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं कितने नहीं करने। मैंने आपको तैयारी के लिए दो चीज़ें बताई, रादर तीन चीज़ें, एक मैंने कहा लर्निंग है, एक रिविजन है, दो से तीन रिविजन, और तीसरी चीज़ आती है प्रैक्टिस। अब मैं जो बात कह रहा था कि जनरली स्टूडेंट्स समझते हैं शायद प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सब कुछ प्रैक्टिस ही है, सवाल में प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है। मैंने जैसे कहा कि स्टूडेंट्स तो किताब को तो बिल्कुल इग्नोर ही कर देते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन ही पास पेपर करना, उसी को सब कुछ समझ पाते हैं। तो मेरी अप्रोच थोड़ी सी इस लिहाज से मैं डिफरेंटली बच्चों को एडवाइस करता हूँ, मैं जनरली एडवाइस करता हूँ कि भाई प्रैक्टिस की कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कितनी करनी है, या कि भाई कम से कम जैसे हम अक्सर बच्चे आते हैं कम से कम 10 हमें 6 साल के पेपर तो करने चाहिए ना, तो मैं कहता हूँ भाई कोई 6 साल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मुझसे पूछो तो जो रिक्वायर्ड चीज है दैट इज रिवीजन, और डोंट कंफ्यूज रिवीजन विद द प्रैक्टिस। जब मैं कह रहा हूँ रिवीजन, तो रिवीजन का मतलब कॉन्सेप्ट जिस सोर्स डॉक्यूमेंट से सीखा, मतलब टेक्स्ट बुक, जो कि आईकैप की जैसे मैंने कहा बड़ी टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, नोट्स आपको टीचर दे सकते हैं। तो जब हम रिवीजन की बात कर रहे हैं तो रिवीजन का मतलब उस डॉक्यूमेंट को पढ़ो, उस किताब को पढ़ो, और बार रिवीजन का मतलब उसको दूसरी दफा तीसरी दफा पढ़ो। तो रिवीजन आप करेंगे कम से कम जैसे मैंने कहा 3 दफा आपको गया, एक बार लर्निंग है, उसके बाद 2 से 3 रिवीजन डिपेंडिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग कहती है, देन उसके बाद जितना आपको टाइम मिले क्योंकि आपने सारे सब्जेक्ट को बैलेंस लेकर चल रहे हैं, उसके हिसाब से आप 4 साल 5 साल 6 साल, देयर इज नो बार के मिनिमम
आठ साल या छः साल या पाँच साल या चार साल जरूर कर लेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम। लेकिन अहम चीज़ जो मैं अपनी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द रिविजन। ऐसा नहीं कि किताब नहीं पढ़ी, कॉन्सेप्ट्स की डिटेल में सीखा नहीं, उनको रिवाइज बार बार किया नहीं और सिर्फ सवाल पे सवाल हम करते जाए, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। आपको कॉन्सेप्ट सीखना भी है, कॉन्सेप्ट रिवाइज भी करना है किताब से, दूसरी तीसरी रिविजन भी देनी है। उसके साथ कर दूं कि रिविजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रैक्टिस। अच्छा जी, यहाँ पे एक सवाल एक बच्चे ने किया, इसको ऑलरेडी मैं एड्रेस कर चुका हूँ, लेकिन चूंकि कहा है बच्चे ने तो फिर मैं उसको एड्रेस कर देता हूँ कि कोई टॉपिक हम कोई स्किप कर सकते हैं, कौन इंपॉर्टेंट एरिया। तो मैंने जैसे कहा कि जब आई कैप ने सिलेबस की गाइडलाइन दे दी है, ग्रेड दे दी है, दिस इज नथिंग अनइम्पॉर्टेंट। आपको किसी तो इसमें जो इशू जब आता है कि आप जैसे मैंने कहा कि अगर कोई टॉपिक आप छोड़ते हो तो वो आप जरूरी नहीं कि आप पिछले पाँच सालों में बेशक नहीं आया आपको वो आ सकता है। जैसे एक तो मुझे याद है सीए फाइनल में एक टॉपिक होता था जो एग्जामिनर सीए फाइनल की मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जो एग्जामिनर नॉर्मली तीन चार साल बाद टेस्ट करता होता था। तो मेरी आदत जैसे होती है कि जो टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है उनको हम क्लास में कम टाइम देते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ज़्यादा टाइम देते हैं। तो बेशक वो टॉपिक कम इंपॉर्टेंट था, मैं उसको पढ़ाता था और बच्चों को बताता था भाई ये तीन चार साल बाद आता है और लास्ट टाइम इस दफा आया था, तो आपने बहरहाल इसको बेसिक लेवल पर तैयार जरूर करना है, छोड़ के ना जाइएगा, यू नेवर नो आपको सवाल आ जाए। लेकिन बच्चे जनरली जैसे मैंने कहा अपनी कुछ चल रहे होते हैं सिलेक्टिव स्टडीज के माइंड सेट से, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे उस टॉपिक को छोड़ गए, एग्जाम में क्वेश्चन आया, रिजल्टली बहुत से बच्चे ने पुअर परफॉर्म किया। नेक्स्ट सेमेस्टर बच्चे मेरे पास आए तो मैंने उनको बताया कि भाई इस तरह हुआ था पिछले सेमेस्टर में, तो ये टॉपिक तो जो तीन चार साल बाद आता था तो बच्चों ने नहीं तैयार किया, आ गया था। तो काफ़ी बच्चे परेशान हुए, हालांकि बड़ा आसान टॉपिक था। तो लेकिन मैंने बच्चों को भैया मैं एक एडवाइस आपको कर देता हूँ कि ये भी एक एग्जामिनर साइकी होती है कि अगर किसी टॉपिक में बच्चे जनरली पुअर परफॉर्म करें, एग्जामिनर उस टॉपिक को रिपीट कर देते हैं, तो बेशक ये टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट है, बेशक ये टॉपिक पीछे काफ़ी अरसे से नहीं आया, बेशक ये टॉपिक सॉरी रिसेंट अटैम्प में आ गया है, लेकिन मेरी ओपिनियन में जनरली पुअर परफॉर्मेंस की वजह से रिपीट भी हो सकता है। स्टूडेंट्स अगेन जैसे मैंने कहा इसको नहीं सीरियसली लेते, काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने पहले से भी ज़्यादा बच्चों ने इसको छोड़ा, सेकेंड टाइम वो टॉपिक फिर भी हुआ, एंड फॉर इन्फॉर्मेशन वो टॉपिक तीसरी दफा भी आया। तो ऐसा टॉपिक जो पहले तीन चार साल बाद आता होता था, तीन लगातार अटेम्प्ट्स में आई कैप के एग्जामिनर ने दिया, और ये जनरली एग्जामिनर की साइकी है कि उसको कहीं पता लग जाए किसी वजह से कि भाई कोई बच्चा टॉपिक छोड़ता है, वो टेस्ट करने के लिए कि भाई बच्चे को इंश्योर करने के लिए स्टूडेंट्स तमाम क्वेश्चंस तमाम टॉपिक्स कंप्लीटली कवर ना करना शुरू कर दे तब तक वो उस टॉपिक को टेस्ट करना चाहता है। सो इसलिए कोई टॉपिक हमें नहीं छोड़ना चाहिए। एक अक्सर बच्चों के जहन में क्वेश्चन होता है कि हमारे जो फर्स्ट 15 मिनट्स हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें जो डिफरेंट अप्रोचेज यहाँ पे आती हैं, कुछ बच्चे कुछ टीचर कहते हैं आप पूरा पेपर पढ़ें इसमें, कुछ बच्चों की सोच होती है हमें पूरा पेपर पढ़ना चाहिए, हर एक का अपना अपना ख्याल होता है। लेकिन मैं जनरली इस यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कि पहले 15 मिनट में यू शुड सिंपली स्किम थ्रू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द क्वेश्चन, और जैसे मैंने कहा हमें सबसे पहले आसान क्वेश्चन करना होता है, तुम रिक्वायरमेंट्स को पकड़ के सबसे छोटा और सबसे आसान क्वेश्चन आइडेंटिफाई करें, वो क्वेश्चन जिसपे हमें 110% कॉन्फिडेंस है कि वी कैन स्कोर परफेक्ट। तो पहले 15 मिनट में आप सिर्फ स्किम थ्रू करके रिक्वायरमेंट से सबसे आसान सवाल लेंगे और उस सवाल को फिर आप दोबारा डिटेल में एक दफा दो दफा तीन दफा पढ़ के तैयार हो जाए कि भाई जैसे ही अब हमने सबसे पहले सवाल को करना है तो सबसे पहले सवाल को बेस्ट वे में परफॉर्म करें ताकि इट शुड सर्व एज अ मोरल बूस्टर। तो इस सब्जेक्ट को आपको जैसे मैंने कहा विदाउट रिपीटेड रिविजन आप इस सब्जेक्ट में परफॉर्म नहीं कर सकते, आपको अच्छी तरह रिविजन करनी है
और दूसरी बात, कुछ मैंने एग्जाम टेक्निक्स में आपको बातें बताई, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बातें की, टाइम वेस्ट नहीं करना, जो चीज़ें आती हैं उनको परफॉर्म कीजिए, जो नहीं आती हैं उनके बारे में वरी ना कीजिए, फिगर्स अज्यूम करके आगे चलते जाइए, कोई बात नहीं, एक वैल्यू गलत ले ली, उस गलत वैल्यू, एक गलत वैल्यू को लेकर अगर बाकी ट्रीटमेंट्स आप ठीक करेंगे तो आपको सिर्फ एक ट्रीटमेंट के नंबर कटेंगे, बाकी आगे नंबर इंशाल्लाह आपको कंप्लीटली आप अर्न कर पाओगे, पेपर सीएमए का पास करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा इंशाल्लाह। जी, आज का यही हमारा एजेंडा था जिसमें CAF8 आपसे शेयर किया, मैंने आई होप कुछ स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा पाए होंगे, आई ट्राइड कि जो मुझे क्वेश्चन बच्चों के नज़र आए स्क्रीन पे उनको भी मैं साथ साथ रिप्लाई करता रहूँ। ये जनरली स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए वेबिनार सेशन हमने CAF8 ने स्टार्ट किया हुआ, इनिशिएटिव लिया हुआ है, तो नेक्स्ट वेबिनार में इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान होगा, उसमें हमारा जो प्रपोज एजेंडा है जिस पर वर्क कर रहे हैं हम, कि हम किसी प्रोफेशनल फर्म से जहाँ पर आप लोग कैफ कम्पीट करने में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, वहाँ से किसी फर्म के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएं ताकि वो हमें बता, वो आप लोगों से शेयर कर सके कि उसकी फर्म की क्या एक्सपेक्टेशन होती है स्टूडेंट से, स्टूडेंट्स की जनरली क्या एक्सपेक्टेशन होती है फर्म से, और गैप कहाँ पे आ रहा है, इस गैप को कैसे रिमूव किया जा सकता है ताकि स्टूडेंट्स को एक बेहतर अंदाज में चैनलाइज करके बेहतर प्रोफेशन के तौर पर ट्रेन किया जा सके। तो फर्म की एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स क्या है, फर्म स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द फर्म क्या होती है, गैप क्या है। सो एक सीनियर प्रोफेशनल को हम इन्वाइट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, जो कि एडवाइस करेंगे यंग प्रोफेशनल्स को जो गैप कंप्लीट करके आर्टिकल शुरू करने जा रहे हैं, तो वो ये सेशन जो नेक्स्ट होगा डेफिनेटली उनके लिए बड़ा यूजफुल सेशन होने वाला है इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड एंड फ्रॉम माय साइड। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय माय टीम कि एक क्वेश्चन शायद और आ रहा है जिसको शायद, लेट मी सी, मुझे यहाँ व्यू नहीं हो रहा, काइंडली अगर आप मुझे दिखा सकें लिखा हो, थैंक यू। अच्छा जी, क्वेश्चन है, आई हैव 5 अटेम्प्ट्स इन FR1, एक बच्चा है जो FR1 में स्टक है, शुड आई गो टू द लास्ट अटेम्प्ट नेक्स्ट टाइम और कोर्स चेंज प्लीज गाइड। अच्छा, इसमें कोर्स चेंज है या नहीं है, इस पे मेरे हिसाब से अहम चीज़ जो स्टूडेंट्स की है, ये बड़ा मुझे इसलिए आप मैं जनरल इसका अप्लाई करता हूँ, कोर्स चेंज या नहीं इसको मैं एड्रेस बाद में करूँगा, ये सब्जेक्ट क्योंकि FR1 आई डोंट टेक अप, लेकिन मैं जनरल एडवाइस करता हूँ, हमारे स्टूडेंट्स जब किसी सब्जेक्ट में अनफॉर्चुनेटली ICAF में ये आ जाता है कि कोई ना कोई बच्चा कहीं ना कहीं फेलियर देख पाता है, मैं जो बच्चों को कहता हूँ कि सब्जेक्ट में फेल होना गलत बात नहीं है, लेकिन आप फेल हो और आप फेलियर की वजह ना जान पाए और दोबारा फेल हो जाए तो ये बहुत बुरी बात, मतलब ये कसूर आपका पहली दफा फेल होना नहीं है, दूसरी दफा फेल होना आपका बहुत बड़ा कसूर है, मतलब मैं ऐसे कहता हूँ कि अनफॉरगिवेबल कसूर है आपका कि आप CMA में आए हैं और दूसरी दफा फेल हो गए सब्जेक्ट में, बट अनफॉर्चुनेटली जनरली हमारे स्टूडेंट इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लेते, दे मेक एन एफर्ट व्हाटएवर दैट इनपुट इज, दे गिव दैट इनपुट एंड सिट इन द एग्जाम, रिजल्ट आया फेल हो गए, अगली दफा कोई बहुत ज्यादा सोचो विचार किए बगैर दोबारा जाके एग्जाम में बैठ गए, मतलब एफर्ट्स की लेकिन शायद जो पिछली दफा की थी वही एफर्ट रिपीट करते, रिजल्टेडली नतीजा भी वही रिपीट हो जाता है, तो जो एफर्ट्स आपने पहली अटेम्प्ट में की वही एफर्ट्स आप सेकंड अटेम्प्ट में करेंगे तो 2-4 नंबरों के फर्क से नतीजा वही रिपीट हो जाता है। सो मेरे हिसाब से आपको अटेम्प्ट सिर्फ इसलिए मिस आउट कर देना कि भाई सिलेबस चेंज हो गया या नहीं हो गया, आई शुड वेट, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपके लिए एक एक दिन कीमती होता है, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट 6 months कि मैं ये अटेम्प्ट ना दूं उससे भी अगली दे दूं, अपनी जिंदगी के 6 महीने कीमती आप डिले करना चाह रहे अपना कैरियर, आई डोंट एडवाइज दैट, असल चीज ये है कि आपको फोकस जो करना चाहिए कि मैं फेल क्यों हो रहा हूं, क्या मिसिंग इनपुट है जो मैं नहीं दे पा रहा, क्या मिसिंग लिंक है जो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा पास से, और जनरली मैं स्टूडेंट को एडवाइस करता हूं कि अपने सीनियर से, अपने टीचर से, अपने मेंटर से मिलिए और कम से कम 6 या 7 ऐसी कमियां आइडेंटिफाई कीजिए, क्या आपने किताब सही नहीं पढ़ी थी, क्या आपने सिलेबस पूरा कवर नहीं किया था, क्या आपने प्रैक्टिस ठीक नहीं की थी, क्या आपकी एग्जाम टेक्निक्स में प्रेशर में आ गए थे, टाइम मैनेजमेंट पुअर है, क्या 6 या 7 एरियाज हैं जो आपने गलत किए जब पिछली दफा जो किया था आप फेल हुए, और उन फिर 6-7 एरियाज को टारगेट करके
मेहनत करेंगे एक एक एरिया पे कि टाइम मैनेजमेंट प्रूव करना है, आई नीड टू डू दिस। मुझे पिछली बार एक चैप्टर मैंने छोड़ा था, अब नहीं छोड़ना, 100% कवरेज करनी है। पिछली बार मैंने दो बार रिवीजन की थी, अब मैंने रिवीजन ज्यादा करनी है ताकि मेरी ग्रिप सब्जेक्ट पे ज्यादा बेहतर हो। सो इस अंदाज में आप जब एक फॉर्म खासा फेल होते हैं तो आप कमियां वीकनेसेस आइडेंटिफाई कीजिए, शॉर्ट कमिंग्स गैप्स आइडेंटिफाई कीजिए कि भाई क्या गैप्स हैं। और जैसे मैंने कहा इसमें आप अपने मेंटर्स टीचर्स की मदद लीजिए, उनके बैठिए जाकर उनको बताइए कि व्हाट वाज योर इनपुट, क्या आपके रिजल्ट है, दे विल हेल्प यू आउट कि भाई ये गैप्स हैं आपके। और जब तक आपको वो 6-7-8 गैप्स की लिस्ट नहीं मिलती आपके लिए पास होना मुश्किल है। हम जनरली क्या करते हैं, अच्छा मैं फेल हो गया, हाँ यार मैंने पिछली बार पास पेपर प्रैक्टिस कम की थी बस इसलिए शायद फेल हो गए। एक रीजन नहीं होती, 6-7 रीजन की लिस्ट निकालेंगे, पास पर प्रैक्टिस पिछली बार कम की थी इस बार बढ़ा लेंगे तो पिछली बार 42 थे इस बार 44 नंबर हो जाएंगे। 50-51 नहीं होंगे, 50-41-40 से जाने के लिए आपको कम से कम 6-7 फैक्टर्स चाहिए, उस पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। देयर इज अनदर क्वेश्चन, तो अच्छा जी दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कि जी बच्चे का सवाल है कि ये पेपर मैंने दिया, मैं इसमें फेल हुआ, मुझे रिक्वायरमेंट को समझने में और सवाल कहाँ से शुरू करना है इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल्दो थोड़ा लेट आया लेकिन मैं इसको मुझे ज़रूर इसको एड्रेस करना चाहिए। हम बच्चे के जनरली एक्सेप्ट कॉमन कमेंट है कि एग्जामिनेशन में हम सवाल पढ़ते हैं, हमें रिक्वायरमेंट समझ नहीं आती, हमें समझ नहीं आती शुरू कहाँ से करें ख़त्म कहाँ से करें। अब इसकी वजह क्या है, पहले वजह जानना जरूरी है, इसका हल उस वजह में ही मिलेगा आपको। एग्जाम में क्वेश्चन में अनसीन आते हैं, हमने पहली दफा देखे होते हैं, जिसमें अब हमने सवाल को पढ़ना भी है, सवाल की रिक्वायरमेंट को भी समझना है, सवाल में जो डेटा दिया है उसको किस शेप में अरेंज करें, क्या टूल्स क्या दरबे तकसीम उस पर लगाए कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर निकला, ये सब सोचना है, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम डेटा को आंसर में कन्वर्ट करें, ये सब कुछ एग्जाम में हमने करना है। अब एग्जाम में जिस तरह बच्चे ने सवाल किया कि हमें ये समझ नहीं आती कि भाई किन स्टेप्स को फॉलो करें, डाटा को कैसे कन्वर्ट करें आंसर में, इसमें फंस जाते हैं, शुरू कहां से किया जाए सवाल। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, क्या आपने ये प्रैक्टिस कभी घर में की है कि अनसीन क्वेश्चन को कैसे कहां से शुरू करके कहां खत्म करना है? तो ऑनेस्टली मोस्ट ऑफ यू शुड आंसर इज नो। Why? मैं बताता हूं आपको, आप सवाल घर में प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं ना, आप सवाल पढ़ते हैं, एक बार पढ़ा सवाल समझ नहीं आया कहां से शुरू करना कहां से खत्म करना, पहली बार पढ़ने में समझ नहीं आया तो फौरन सॉल्यूशन से हेल्प ले, वहां पे देख लिया कि भाई शुरू कहां से करना है, स्टेप्स कौन से फॉलो करने हैं, कैसे जवाब पे पहुंचना है। जब देख लिया आपने स्टेप समझ आ गए, शुरू कहां से करना समझ आ गया, धड़ाधड़ छाप दिया और फिर हम खुश होते रहे, मैंने तो 10 साल के सवाल कर लिए, मैंने तो 15 साल के सवाल कर लिए। तो भाई उन सवालों में आपने सीखा क्या है, आपको सवाल पढ़ना आना चाहिए, एक बार पढ़ के समझ नहीं है दूसरी बार तीसरी बार पढ़ना है ताकि रीडिंग स्किल सीखें आप। दूसरी चीज आपको सवाल प्लान करना आना चाहिए कि सवाल शुरू कहां से करना है, कौन से स्टेप्स फॉलो करके आंसर तक पहुंचना है। आपने दिमाग इस्तेमाल ही नहीं किया, आपने तो एग्जामिनर के सोल्यूशन को देख लिया जिसमें ये सारे स्टेप्स आपके सामने हुए हुए थे, तो आपको तो बता दिया जाए कि भाई इन स्टेप्स को फॉलो करके आंसर तक पहुंचे, तो आपने इस चीज की एक्सपर्टीज ली है। एग्जाम में किसी ने आपको बताने किन स्टेप्स को लेके आंसर आना है तो डेफिनेटली नो। तो भाई एग्जाम में जो आपके साथ सलूक होना है उसकी आपने कभी घर में तैयारी ही नहीं की, आपने कभी घर में कोशिश ही नहीं की कि सवाल को पढ़ के समझ के कैसे हमें आंसर डिवाइस करना है। एग्जाम में जाकर फर्स्ट टाइम आप ये कोशिश कर रहे होते फंस जाते हो क्योंकि आपको आता ही नहीं, आपको विदाउट हेल्प ऑफ द सॉल्यूशन सवाल ही नहीं करना आता अनलेस इट इज वेरी इजी। तो ये इशू है, इसलिए जो इसकी मेरी से आपको एडवाइस कि अगर आप इस मसले को हल करना चाहते हो तो घर पे नेवर टेक हेल्प फ्रॉम द सॉल्यूशन अनलेस यू हैव गिवन द फुल शॉट। क्वेश्चन को एक बार दो बार तीन बार छह बार पढ़ना पड़े, पढ़ो सवाल को, पढ़ो उसके बारे में सोचो कि इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आंसर तक जाना चाहिए। हाँ सवाल का आंसर प्लान करने के लिए किताब से हेल्प ले लो कि भाई फलाना चीज करने के ट्रीटमेंट के क्या तरीके होते हैं, नोट से हेल्प ले लो बट उस सवाल के सोल्यूशन से कभी हेल्प ना लो। सो घर पे आप सवाल को पढ़िए, बार बार पढ़िए, सोचिए, डिवाइस कीजिए सोल्यूशन, फिर परफॉर्म कीजिए, उसमें भी जो चीज आती है कीजिए, जो नहीं आती फिगर रिज्यूम कर लेना, नेवर लुक एट द सोल्यूशन, सवाल को कंप्लीट कर दो क्योंकि आपको एग्जाम में भी ऐसा करना है, विदाउट एनी हेल्प आपको कंप्लीट करना है।
कंप्लीट करने के बाद फिर सॉल्यूशन से कंपेयर कर लो कि भाई क्या चीजें मैंने ठीक की हैं, क्या चीजें मेरी गलत हुई हैं, क्या चीजें मुझे नहीं समझ आ रही थी, क्या करना है अब सीखो उनसे। इस अंदाज में सवाल कीजिए। और मैं इसको फिर लिंक करता हूं एक पहले क्वेश्चन जो बच्चे का था, कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन करने चाहिए। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने भी करने हैं, गिनती की कैद नहीं है, करने इस तरीके से हैं विदाउट द हेल्प ऑफ द सॉल्यूशन करने हैं। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल यू आर डूइंग द पास्ट परफेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।